हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर और आज हम हमारे ज़ेब्रा फिंच के पट्ठों को करेंगे सेपरेट, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है और अंदर लड़ाइयाँ करते हैं, तो अब हम उनको करेंगे अलग। तो उससे पहले मैं आपको हमारा ये पुराना घर दिखा देता हूँ। यहीं पे मैंने ये बाजू वाले रूम में फिंचेस रखी हुई है, तो देख सकते हो आप, ये हमारा फिंच की कॉलोनी है और यहाँ पर हम ये सब सफाइयाँ करके और यहाँ पर भी अच्छी अच्छी कॉलोनी बना के हम पेट्स लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने फिंच के बच्चों को अलग करते हैं और मैं आपको इन पट्ठों में मेल फीमेल की आइडेंटिफिटी भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमें ये अलग करने से पहले यहाँ की सफाइयाँ करनी होगी और यहाँ पर दो केजिस लगाने होंगे। देखिए आप यहाँ का हाल कितना बुरा हो रखा है, तो पहले हम ये सब साफ करेंगे। तो चलिए सफाई शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ की सफाइयाँ करके ये दो केजिस लगाए हैं और उसमें हमारे 8 जो पहले क्लच के बच्चे थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। माशाल्लाह से देखिए बच्चे कितने हेल्दी है। ये जो है वो फीमेल है, देखे इसकी चोंच के नीचे सिर्फ एक ब्लैक लाइन है, इसलिए पता चलता है ये फीमेल है। और ये जो आके बैठा वो मेल है, क्योंकि उसके देखो चोंच के पीछे ऑरेंज कलर का दाग रहेगा, वहां से पता चलेगा ये मेल है। ये भी मेल है, देखिए ये भी मेल है, ये भी मेल है। इसमें दो फीमेल है और बीच वाला मेल है, तो ऐसे आपको पता चलेगा मेल और फीमेल के बारे में। और बाकी हमारे यहाँ है देखिए इनके माँ बाप, और एक अभी अभी नया बच्चे ने जंप किए नेस्ट में से, देखिए वो रहा, अभी अभी जंप किया है इस वाले नेस्ट से। अभी इसके अंदर एक और है, वो भी कल या परसों नीचे आ जाएगा। अभी भी इसमें कुछ मेल और फीमेल पालतू बड़े हैं जिन्हें हम पकड़ के ये पट्ठों के साथ में डालेंगे, क्योंकि वो अंदर अंडे बच्चे नहीं दे रहे, तो ये सेल में जाएगा, सब सेल कर देंगे अभी इनको, और 2-3 क्लच लेके इनको सेल कर देंगे। क्योंकि ये फर्स्ट वाला मेल है वो फालतू है, तो उसको हम पकड़ के हम इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये मेल पकड़ लिया है, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह से, लेकिन ब्रीडिंग नहीं कर रहा, अंदर किसी फीमेल से पैर नहीं लगा रहा, तो अभी हम इसको ये इसमें छोड़ देंगे। तो मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं एक और फीमेल हमने निकाल ली है, ये भी अंदर ब्रीडिंग नहीं कर रही थी, तो इसीलिए इसको भी यहीं छोड़ेंगे। देखो मैंने ये मेल तो छोड़ दिया है, अब इस फीमेल को छोड़ते हैं जो अंदर ब्रीडिंग नहीं कर रही है। तो हमने छोड़ दिया है सबको, अंदर 10 नंग छोड़े हमने, 10 नंग मतलब 5 पैर। अब इस इन पट्टों में से हम कुछ घर के लिए भी निकाल लेंगे अच्छे वाले, ब्रीडिंग के लिए जो हमें अच्छे लगेंगे वो हम अपने लिए भी निकाल लेंगे, और कुछ वहाँ अंदर बहुत से और भी बच्चे हैं इसमें भी है, तो हम इनमें से भी कुछ अच्छे घर के लिए निकाल लेंगे और कुछ सेल कर देंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हमने इन 10 नंग को 10 पिंचेस को अलग किया है, अब इन्हें दाना पानी देते हैं और इन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। 1-2 दिन में ये सेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम इन्हें सेल कर देंगे और 1-2 अपने लिए रख लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। खुदा हाफिज़।